मैं ओंकार जगत के कण कण और प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक गतिविधि से मैं परिचित हूं, कारण कि मैं ही इस संपूर्ण जगत का कृतिकार हूं। मैं ओंकार हूं। त्रिदेव विचलित होते हैं, सबसे अधिक भयभीत और विचलित इंद्र होता है। वात्री के रूप में अनसुईया की तपस्या भंग करने आता है, किंतु पहचान लिए जाने पर अनसुईया द्वारा प्रताड़ित होता है। अब तक नारद तीनों लोकों में जाकर तीनों देवियों के समक्ष सती अनसुईया के श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन करके उन्हें उत्तेजित कर देते हैं। तीनों देवियों के अनुरोध पर तीनों देव सती अनसुईया के अस्तित्व की परीक्षा लेने चल पड़ते हैं। दूसरी ओर ऋषि अत्री और अनसुईया जैसे ही अपने आश्रम में प्रवेश करते हैं, उनकी भेंट एक युवा ऋषि से होती है जो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी तपस्या फलित हो गई स्वामी, ये तीनों हमारे पुत्र हैं। ऋषिवर अत्री, एक भी संकोच नहीं हुआ, अर्थात आप इस सत्य को स्वीकार करती हैं कि मैं निसंकोच होकर ये सब कर सकती हूँ। तो विचार करें कि संकोच करते हुए मैं जो करती उसका रूप स्वरूप क्या होता। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? अभिप्राय तो कभी कुछ भी नहीं था मेरा, अभिप्राय तो आप तीनों देवियों का था, जिसे लेकर आपके पतिगण मेरी परीक्षा लेने आए थे। बड़ा आश्चर्य तो ये है कि त्रिदेव शिशु बन कैसे गए? वे स्वयं शिशु बनना चाहते थे, ऐसी ही उनकी मांग थी। मैंने तो मात्र उनकी मांग को उनकी आज्ञा समझकर पूर्ण किया है। अनुसुईया, जगत में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और ना ही भविष्य में ऐसा होना संभव होगा कि त्रिदेव को कोई नारी अपने सतीत्व के बल पर शिशु बनाकर पालने में सुला दे। हां सुना, हम तुम्हारी पति भक्ति और सतीत्व की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। अप्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी क्या है? हम तुम्हारे सतीत्व की श्रेष्ठता को और महानता को प्रणाम करती हैं। अब हमें हमारे पति लौटा दो। आज हमसे अधिक सौभाग्यशाली इस जगत में कौन होगा स्वामी, जिनकी कुटिया में तीन महादेवियाँ एक साथ पधारी हैं? केवल तीन महादेवियाँ? इस पालने में सोए हुए त्रिदेव को तुम भूल गई अनसुईया। ऋषिवर, कृपा कर अनुसुईया से कहें कि वे त्रिदेव को उनके मूल रूप में प्रकट करें। त्रिदेव स्वयं ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, अनसुईया की सतीत्व की शक्ति ने उन्हें शिशु बनाया है, अब वही शक्ति उन्हें मूल रूप दे सकती है। त्रिदेव कभी भी अपने भक्तों की शक्ति के विरुद्ध अपनी
का उपयोग करके उनको अपमानित नहीं करते, कारण कि भक्तों के पास भी त्रिदेव की ही शक्ति होती है। यदि त्रिदेव को अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होता तो वे शिशु बनते ही क्यों? अनुसुईया के सतीत्व की श्रेष्ठता का सम्मान का ध्यान रखकर अब वे अपने मूल रूप में स्वयं नहीं आएंगे। जब उन्होंने अनुसुईया के सतीत्व की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है तो उनकी इच्छा का अवश्य सम्मान करेंगे। अतः आप ही अनुसुईया से कहें कि वे त्रिदेव को अपने मूल रूप में प्रकट करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की देवी। यदि तुम इन्हें शिशु बनाकर रखोगी तो संपूर्ण जगत की व्यवस्था और स्थिति अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो देव को उनका मूल रूप प्रदान करो देवी अनुसुईया। आपकी आज्ञा शिरोधारे स्वामी। श्री हरि विष्णु के अवतार स्वरूप सारे जगत में प्रसिद्ध। शक्ति के धारक होते रहे थे, सौम्य, शालीन, परोपकारी एवं शांत प्रकृति के हैं, और भगवान दत्तात्रेय एवं विष्णु अवतार के रूप में आपकी कीर्ति दिग्दिगंत तक व्याप्त रहेगी। हे अत्रि अनुसुईया पुत्र, आप संसार में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सद्भावना का प्रकाश प्रकाशित करेंगे। हे संत वेशधारी दत्तात्रेय, आप जगत में अवधूत के वैराग्य प्रदर्शक नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भक्त सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना वे नाम स्मरण करेगा वो हम तीनों को प्राप्त होगा। साथ ही वो त्रिदेवों की कृपा का अधिकारी। श्री हरि विष्णु अवतार दत्तात्रेय, जो भी भक्त आपका नाम स्मरण करेगा वो सदा धन वैभव और संपन्नता से पूर्ण रहेगा। इतना ही नहीं, आपकी भक्ति करने वाले भक्त का ज्ञान
चमत्कार पूर्ण होगा। ज्ञान व विद्या में वो सदा अग्रणी रहेगा। जगत में भक्ति और वैराग्य की धारा आपके नाम से ही प्रवाहित होने लगेगी। त्रिदेव और त्रिदेवियों ने अपनी कृपा का जो प्रसाद दत्तात्रेय को प्रदान किया है वो अभूतपूर्व है। जगत में ऐसी उपलब्धियां सरलता से प्राप्त नहीं होती। तीनों लोकों की संपदा से अधिक प्राप्त किया है दत्तात्रेय ने। त्रिदेव और त्रिदेवियों ने शेष कुछ भी नहीं छोड़ा। जगत में जो श्रेष्ठ है वो सब प्रदान किया है दत्तात्रेय को। तुम धन्य हो दत्तात्रेय। प्रणाम माता, प्रणाम श्रेष्ठ। मैं दत्तात्रेय इस जगत को धर्म का संदेश सुनाकर प्राणियों को कल्याण मार्ग के लिए प्रेरित करता हूं। माता आप उदास न हो, हमने ही स्वप्न में आकर आपको पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या का उपाय सुझाया था, इसलिए हम अपने अंश से आपको ऐसा रुद्र अवतारी पुत्र प्रदान करेंगे जो सदा आपकी सेवा में रहेगा। रुद्र अवतारी शिवांशी प्रकट हो। पालन नहीं करेंगे और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। देवेश्वर, आपका ये रुद्रावतार तो जन्म से ही रौद्र रूप धारण करने लगा है। इसे कहिए कि अपने क्रोध पर अंकुश रखिए। रुद्रावतारी शिवांशी, यदि तुमने अपने क्रोध पर संयम नहीं रखा तो जन साधारण तुम्हें शिवांशी न कहकर दुर्वासा के नाम से पुकारेगा। साधारण मुझे क्या पुकारेंगे इसकी मुझे तनिक भी चिंता नहीं है प्रभु। मैं तो मात्र इतना चाहता हूं कि वे दुष्कर्मी मुझसे भयभीत हो ताकि वे पाप कर्मों से बचे रहें। स्वामी, आपने स्वयं मुझसे कहा था कि आप ऐसे रुद्रावतार को प्रकट करना चाहते हैं जिसके वजह से लोग अनाचार तथा अत्याचार करने से बचे रहे। अब शिवांश को अत्रि अनुसुईया के पुत्र के रूप में प्रकट करके वह कथन सत्य कर दिखाया। पुत्र, तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अपने स्वभाव के कारण तुम दुर्वासा के नाम से ही प्रसिद्ध होगे। आपके वचन सत्य सिद्ध होंगे माता पार्वती। अब मुझे आज्ञा दी, मैं देहाग्नि से तप रहा हूँ, शीघ्र स्नान करके शांत होना चाहता हूँ। माता अनसुईया, मैं स्नान करके लौटूंगा, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य करो। आज्ञा दीजिए।